नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की केस की। आकांक्षा दुबे के केस में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब आकांक्षा की माँ मधु दुबे की को अनहोनी की आशंका सता रही है। उन्होंने रविवार को ये कहा है कि उनके परिवार के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हुई तो उसके लिए और सिर्फ गायक समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि मधु दुबे ने समर सिंह और संजय से अपने परिवार को खतरा बताया है। 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र के स्थित होटल में के कमरे में आकांक्षा ने अपनी जान दे दी थी, तभी से इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक समर सिंह या फिर संजय सिंह को लेकर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में लगातार आकांक्षा का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इसी बीच आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मांग पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। और जो आशंका यहां पर मधु दुबे ने जताई है, क्या वाकई में अब आकांक्षा के बाद आकांक्षा के परिवार की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि मधु दुबे ने सीधे सीधे ये कहा है कि आने वाले वक्त में उनके परिवार के साथ कोई भी अगर अनहोनी होती है तो इसके लिए समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह जिम्मेदार होगा। अब देखना यही होगा कि पुलिस अब इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।